नमस्कार, आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। मैं हूं आपके साथ प्रीति। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। यमन से 358 भारतीय स्वदेश लौटे, एक और जहाज जिबूती रवाना। अदन में सऊदी अरब ने तेज किए हवाई हमले। लगातार बारिश से फिर उफान पर झेलम, जम्मू श्रीनगर हाईवे बंद, सैकड़ों गाड़ियां फंसी। केंद्र सरकार में बड़ा प्रशासनिक बदलाव, गुजरात कैडर के जीसी मुर्मू समेत 27 संयुक्त सचिव नियुक्त। रूस से लगे पश्चिमी प्रशांत महासागर में नौका दुर्घटना, 43 की मौत, 100 से ज्यादा फंसे, राहत और बचाव कार्य जारी। सानिया मिर्जा और मार्टिना हिंगिस की जोड़ी मायामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के डबल्स सेमीफाइनल में पहुंची। और पहले खबर यमन से जुड़ी हुई, जहां से सुरक्षित निकाले गए 348 भारतीय देदा स्वदेश लौट आए हैं। उन्हें भारतीय वायुसेना के 2 ग्लोब मास्टर परिवहन विमानों से मुंबई और कोच्ची लाया गया। हालांकि अभी करीब 3,000 नागरिक यमन में फंसे हुए हैं और अपनी वापसी की कोशिश कर रहे हैं। विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह इस पूरे ऑपरेशन पर नजर रखने के लिए जिबूती में ही मौजूद हैं। इस बीच राजधानी सना में हूथी विद्रोहियों के समर्थन में बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। कोची एयरपोर्ट पर मौजूद इन चेहरों पर पिछले दिनों की यादों का खौफ और घर वापसी की खुशी साफ नजर आ रही है। हर कोई सरकार को और ऑपरेशन राहत का शुक्रिया अदा कर रहा है। फ्लाइट वैगे तो चल हॉस्पिटल पासपोर्ट को अगर कॉपी कैं वन अगर अवे भर पाड़ी पशे सिचुएशन इज वेरी पथेटिक देयर नाउ रियली वी आर वेरी थैंकफुल टू द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स व्हेन वी रीच्ड इन जिबूती देन आवर मिनिस्टर वीके सिंह जनरल वीके सिंह ही वाज ऑन बोर्ड सो ही वेलकम अस एंड ही गिव अ नाइस ट्रीट एंड ही अरेंज एवरीथिंग इन जिबूती। हालांकि यमन में रहने वाले सभी भारतीय नागरिक इतने खुशकिस्मत नहीं हैं। वहां अब भी करीब 3,000 लोग फंसे हुए हैं। करीब 600 लोग तो अदन बंदरगाह पर ही मदद का इंतजार कर रहे हैं। केरल के मुख्यमंत्री उमान चांडी ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर तुरंत मदद पहुंचाने की अपील की है। यमन में फंसे ज्यादातर लोग केरल के ही हैं और उससे भी बड़ी संख्या नर्सों की है। इस बीच बांग्लादेश ने भी अपने 3,000 नागरिकों को निकालने के लिए भारत से मदद मांगी है। उधर अरबी सेना ने कई जगह हूती विद्रोहियों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया है। अदन और पश्चिमी सीमा पर भीषण लड़ाई जारी है। सऊदी अरब ने अपने हवाई हमले तेज कर दिए हैं। सऊदी अरब ने कहा है कि जल्द ही अदन को खाली करा लिया जाएगा। They have no supply coming from out of Aden actually. The forces was heading Aden, now they are in retreat toward Adala and toward Shabwa. We continue to work to make sure that Aden will be clear soon and safe for the legitimate government. यमन के राष्ट्रपति हाथी के भागकर रियाद में शरण लेने के बाद हूती विद्रोहियों का समर्थन देश में बढ़ा है। लोग उन्हें आतंकी ना मानकर संप्रभुता का रक्षक मान रहे हैं। राजधानी सना और दूसरे शहरों में भी बड़ी संख्या में लोग हूती विद्रोहियों के समर्थन में सड़कों पर निकल रहे हैं और वो अमेरिका और सऊदी अरब के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। खबर कश्मीर से, जहां आज हुई ताजा बारिश से घाटी में बाढ़ का खतरा फिर से बढ़ गया है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में कुछ इलाकों में भारी बारिश की आशंका भी जताई है। जम्मू श्रीनगर हाईवे फिर बंद हो गया है और करीब 700 गाड़ियां फंसी हुई हैं। इस बीच कांग्रेस का एक दल श्रीनगर में बाढ़ पीड़ितों के बीच पहुंचा तो पाकिस्तान ने भी मदद की पेशकश की है। पानी में डूबे घर और गलियां, श्रीनगर के रिहायशी इलाकों की ये तस्वीरें यहाँ रहने वालों की मुश्किलात की बानगी भर हैं। उस पर बुधवार को वादी में हुई बारिश ने यहाँ के बाशिंदों के जहन में बाढ़ के डर को बढ़ा दिया है। खौफ ही खौफ है, यहाँ गिर गए, हमारे मकान अंदर से दब गए हैं। ये खोखा है, अंदर चार दीवारी है, बाकी बाहर से लग रहा है तो मकान है, अंदर से खोखले हो गए है साफ पानी से। पिछली बार बाढ़ आया था, कोई भरोसा नहीं था क्या हो रहा था उस टाइम। इस टाइम पता गवर्नमेंट को पूरा, इस टाइम बारिश भी आ रहा है, खतरा भी है, खौफ भी है। झेलम नदी के जलस्तर में बुधवार को गिरावट देखी गई।
लेकिन अगर ऐसी ही बारिश होती रही तो इसकी सहायक नदियां फिर से उफान पर आ सकती हैं। बकौल मौसम विभाग, अगले दो दिनों में भारी बारिश की आशंका बनी हुई है। पीर पंजल माउंटेन रेंज में मॉडरेट रेनफॉल तो होगा हर जगह, तो कुछ जगहों पे हेवी रेनफॉल भी होने का बुरा उम्मीद है। तो इसीलिए हमने वेदर वार्निंग जारी किया है कि 1 से लेकर 3 तारीख के लिए वार्निंग अभी भी वैलिड है। बाढ़ की आशंकाओं के मद्देनजर केंद्र ने हालात से निपटने के लिए और टीमें भेजने की बात कही है। कश्मीर में जो फ्लड को लेकर के वहाँ हंगामा करने का कोई आवश्यकता नहीं है। केंद्र से पूरा टीम भेजा गया है और आवश्यकता पड़ेगा तो उसका और भेजा जाएगा, और वहाँ के जम्मू कश्मीर का राज्य सरकार भी पूरा काम में लगे हुए हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा में विपक्ष ने बाढ़ के मुद्दे पर अवरोध पैदा किया और फौरन राहत की मांग की। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। जम्मू कश्मीर में आई बाढ़ की वजह से सैलानियों ने बुकिंग रद्द कराना शुरू कर दिया है, जिससे इस उद्योग से जुड़े लोगों की परेशानी बढ़ गई है। ऐसे में कारोबारियों ने सैलानियों को वापस लाने और बुकिंग रद्द कराने से रोकने की कोशिशें भी शुरू कर दी हैं। बारिश और बाढ़ के कहर ने जम्मू कश्मीर में न सिर्फ आम जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया, बल्कि 7 महीने पहले आई बाढ़ की बर्बादी से उबर रहा कश्मीर का पर्यटन उद्योग पटरी पर लौटने से पहले ही लड़खड़ा गया। टूर ऑपरेटरों के फोन बज तो रहे हैं, लेकिन बुकिंग कराने के लिए नहीं बल्कि उसे रद्द कराने के लिए। अधिकांश होटल और हाउस बोट खाली हो चुके हैं, टैक्सी ऑपरेटर बेकार बैठे हैं। डल झील जहां शनिवार तक खूब रौनक थी, अब वीरान है। कैंसिलेशन इज अराउंड 60-70% इन अप्रैल, आई एम टेलिंग। अप्रैल इज 100% और अब स्टार्ट होने लगे 5-10% मई के लिए भी आने लगे। अब हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं मीडिया को कि वो यार इसको बैक ट्रैक पे लाएंगे, क्योंकि मीडिया की वजह से तो हमको मिले कि जो टूरिज्म बचा हुआ है, जो भी आने चाहते वो आ जाएंगे। हालात की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को भी ट्विटर पर कहना पड़ा कि कश्मीर आने वाले सैलानी इंतजार करें और बुकिंग रद्द न करें, स्थिति जल्द ही ठीक हो जाएगी। दरअसल मीडिया में बाढ़ की खबर के बाद देश विदेश से कश्मीर घूमने की योजना बना चुके सैकड़ों सैलानियों ने अपनी बुकिंग रद्द कर दी। ऐसे में सैलानियों की आमद से गुलजार होने वाले परेशान हैं। आजकल लोग विश्वास करते हैं, टीवी पे कोई कैप्शन दिखा है, कुछ कुछ ऐसे भी देखा गया है कि कैप्शन लास्ट जो सितंबर के फ्लड्स हुए हैं उसके दिखा रहे हैं, तो या सोशल मीडिया पे ऐसे कुछ फोटोग्राफ्स आ रहे हैं। अब जिन लोगों ने बुकिंग की हुई है समझ रहे हैं कश्मीर का वही हाल है, वो डर रहे हैं, डर की वजह से वो कैंसिल कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था में पर्यटन उद्योग की हिस्सेदारी करीब 45% है। राज्य में अप्रैल महीने में पर्यटन उद्योग रफ्तार पकड़ लेता है, लेकिन वादी में फिर से आई बाढ़ ने मजबूती की उम्मीद लगाए पर्यटन उद्योग को तगड़ा झटका दिया है। 7 महीने पहले सितंबर 2014 में आई बाढ़ ने वादी में जबरदस्त तबाही मचाई थी और इससे भी पर्यटन उद्योग को भारी नुकसान हुआ था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भूमि अधिग्रहण विधेयक को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में तकरार बढ़ती जा रही है। केंद्र सरकार विधेयक पर आम सहमति बनाने की पुरजोर कोशिश कर रही है, वहीं कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल विधेयक को राज्यसभा से किसी भी कीमत पर पारित नहीं होने देने का दमखम भर रहे हैं। इस बीच ग्रामीण विकास मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह ने संकेत दिया है कि सरकार राज्यसभा में क्षेत्रीय दलों के सहयोग से विधेयक पास करा लेगी। संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने सभी दलों से भूमि अधिग्रहण विधेयक का समर्थन करने की फिर से अपील की है। उन्होंने आम सहमति बनाने की कोशिशों के तहत कहा कि सरकार सार्थक सुझाव पर विचार करने को हमेशा तैयार है। We will be coming to parliament again because this ordinance is lapsing on 5th. So we have to come back to parliament. If you have meaningful suggestion, give it to us, but don't politicize the issue. ग्रामीण विकास मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह ने साफ किया कि लोकसभा से पारित बिल में किए गए संशोधनों को नए अध्यादेश में शामिल किया जाएगा। नाउ दोज अमेंडमेंट्स आर द पार्ट ऑफ द बिल व्हिच वाज पास्ड बाय पार्लियामेंट, ए न्यू और री प्रोमोलगेशन ऑफ द ऑर्डिनेंस इज देयर, देन नेचुरली दैट वेरी पार्ट वुड ऑल्सो फॉर्म द पार्ट ऑफ द एंटायर। हालांकि कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल झुकने के मूड में नहीं दिख रहे। ये सारे दल 2013 में पारित भूमि अधिग्रहण कानून में किसी तरह के बदलाव के पक्ष में नहीं हैं। विधेयक के विरोध में कांग्रेस 19 अप्रैल को दिल्ली में किसान रैली करने वाली है।
इस बीच कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को लिखे पत्र में सरकार पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया है। तो वहीं आरजेडी प्रमुख लालू यादव ने बिल के खिलाफ महाभारत छेड़े जाने तक की चेतावनी दे डाली। कांग्रेस पार्टी सुदृढ़ है, अडिग है कि 2013 का कानून के बिना हम कोई और कानून नहीं चाहते। 2013 के कानून में हम संशोधन बिल्कुल नहीं चाहते हैं। किसान संगठन तमाम कह रहे हैं कि 2013 का जो कानून था वो परफेक्ट था, वो प्रोग्रेसिव था, और अभी का जो कानून है वो तो ब्रिटिश पीरियड से भी ज्यादा क्रूर और जनता विरोधी है। बेंगलुरु में 3 अप्रैल से 2 दिवसीय बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने वाली है, जिसमें भूमि अधिग्रहण विधेयक पर पार्टी की रणनीति को लेकर खासा जोर होगा। लोकसभा से 9 संशोधनों के साथ भूमि अधिग्रहण विधेयक पारित हो चुका है। सरकार ने 5 अप्रैल को खत्म हो रहे मौजूदा अध्यादेश की जगह नए सिरे से अध्यादेश लाने का फैसला भी कर लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। 20 अप्रैल से पहले जनता परिवार अपनी नई पहचान के साथ सामने आएगा, इस बात के संकेत जेडीयू महासचिव केसी त्यागी ने राज्यसभा टीवी से बातचीत में दिए हैं। उन्होंने कहा कि नेतृत्व, नीति, चुनाव चिन्ह और झंडे पर आखिरी फैसला समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव करेंगे। लखनऊ से लेकर पटना तक इसकी तैयारियां जोरों पर हैं। त्यागी के मुताबिक सभी मुद्दों पर मतभेदों को दूर कर लिया गया है। खबरें हैं कि 6 दलों को मिलाकर बनने जा रही नई पार्टी का नाम समाजवादी जनता दल या समाजवादी जनता पार्टी होगा। बैठक में श्री मुलायम सिंह यादव जी को सभी घटक दलों के नेताओं ने स्वीकृत किया है कि वो विलय संबंधी प्रक्रिया को पूरा करने, नई पार्टी का चुनाव चिन्ह, झंडा, नीति, वक्तव्य तैयार करने के लिए अधिकृत हैं, और हमें आशा है कि इसी सप्ताह के अंत तक या राज्यसभा लोकसभा के सत्र प्रारंभ होने से पहले नई पार्टी अस्तित्व में आ जाएगी। केंद्र सरकार में 27 संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। इनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भरोसेमंद माने जाने वाले गुजरात कैडर के वरिष्ठ IAS अधिकारी GC मुर्मू शामिल हैं, जिन्हें केंद्रीय वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग में संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया है। इनके अलावा गुजरात कैडर के IAS अधिकारी राजकुमार को वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों का संयुक्त सचिव और RP गुप्ता को कोयला मंत्रालय में संयुक्त सचिव की जिम्मेदारी दी गई है। साथ ही मसरत आलम की रिहाई की वजह से विवाद में आए जम्मू कश्मीर के पूर्व गृह सचिव सुरेश कुमार को रक्षा मंत्रालय में संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया है। वहीं प्रधानमंत्री कार्यालय में IAS अधिकारी तरुण बजाज और देवश्री मुखर्जी को संयुक्त सचिव बनाया गया है। पीयूष कुमार को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर व्यय विभाग का संयुक्त सचिव बनाया गया है, तो अलका तिवारी को नीति आयोग में सलाहकार नियुक्त किया गया है। PMO में निदेशक के पद पर काम कर रही अनु गर्ग को कपड़ा मंत्रालय में संयुक्त सचिव की जिम्मेदारी दी गई है। कोयला ब्लॉक आवंटन मामले में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में विशेष CBI अदालत से जारी समन पर रोक लगा दी है। विशेष अदालत ने उन्हें बतौर आरोपी 8 अप्रैल को हाजिर होने के लिए समन जारी किया था। सुप्रीम कोर्ट ने कोयला ब्लॉक आवंटन मामले में मनमोहन सिंह को जारी समन के मामले में विशेष अदालत की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। मनमोहन सिंह की ओर से वरिष्ठ वकीलों के एक पैनल ने अदालत में जिरह की। उन्होंने आपराधिक प्रक्रिया संहिता के तहत पूर्व प्रधानमंत्री को तलब किए जाने की वैधता पर सवाल उठाए, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने समन पर रोक लगा दी। दिस इज अ स्टे पेंडिंग द डिसीजन ऑफ द इश्यूज बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट बिकॉज रूल इज ऑलवेज इश्यूड व्हेन द कोर्ट फाइंड्स अ स्ट्रांग प्राइमा फेशाई केस। सर, नोटिस वाज इशूड टू द सीबीआई? यस, दे हैव नाउ इशूड which have been accepted. CBI has already accepted notice in court and the Union of India has been allowed to be served. इससे पहले मनमोहन सिंह की ओर से कोर्ट में कहा गया था कि हिंडाल्को को कोल ब्लॉक आवंटन के पीछे उनका आपराधिक इरादा नहीं था, इसलिए भ्रष्टाचार निरोधी कानून के तहत आरोप नहीं लगाए जा सकते। इस मामले में मनमोहन सिंह समेत सभी 6 आरोपियों को भी पेशी से छूट मिल गई है। ये कहा गया कि क्रिमिनल कंस्पिरेसी है, जबकि ना तो जो मटेरियल्स क्लोजर रिपोर्ट के साथ लगाए गए हैं उनमें कुछ बात है कि जिससे क्रिमिनल कंस्पिरेसी इंटरप्रेट की जाए।
सरकार ने इसे कोर्ट की सामान्य प्रक्रिया बताया है। ये तो एक न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है और इसलिए हमने तो यही कहा था कि मनमोहन सिंह जी को कोर्ट के चौखट में कांग्रेस ने लाके खड़ा किया, क्योंकि घोटाला तो हुआ ही। सीबीआई की विशेष अदालत ने 11 मार्च को पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, उद्योगपति कुमार मंगलम बिड़ला, पूर्व कोयला सचिव पीसी पारिक और तीन अन्य को आरोपी के तौर पर समन जारी किया था और उन्हें 8 अप्रैल को अदालत में पेश होने को कहा था। इससे पहले दिसंबर में सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को विशेष अदालत ने खारिज कर दिया था, जिसके बाद मनमोहन सिंह से सीबीआई ने उनके आवास पर जाकर पूछताछ की थी। ये मामला दरअसल 2005 में हिंडाल्को को ओडिशा में तालाबीरा 2 कोयला ब्लॉक आवंटन मामले से जुड़ा है। उस वक्त कोयला मंत्रालय का प्रभार तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के पास था। सुप्रीम कोर्ट के आज के आदेश के बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह को अंतरिम तौर पर राहत मिल गई है, लेकिन स्थायी राहत उनको तभी मिलेगी जब इस पूरे मामले का निचली अदालत से निपटारा हो जाएगा। कैमरामैन संजय कुमार के साथ रविंद्र सिंह शोरान, राज्यसभा टीवी। सरकार ने अगले 5 साल में निर्यात दुगना करके 900 अरब डॉलर करने का लक्ष्य रखा है। अगले 5 साल के लिए जारी नई विदेश व्यापार नीति में निर्यातकों और विशेष आर्थिक क्षेत्र को कई छूट देने का ऐलान किया गया है। इसमें मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को एकीकृत करने पर जोर है। वाणिज्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को एनडीए सरकार की पहली विदेश व्यापार नीति जारी की, जिसमें सबसे ज्यादा जोर 2020 तक भारत से निर्यात को 900 अरब डॉलर करने पर दिया गया है। सरकार का मानना है कि इससे वैश्विक निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 2% से बढ़कर 3.5% हो जाएगी। We want to make India a significant participant in world trade by the year 2020. India must assume a position of leadership in the international trade discourse. सरकार ने निर्यात बढ़ाने के लिए दो नई स्कीमों का भी ऐलान किया है। ये स्कीमें वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात से जुड़ी हैं। यही नहीं, एसईजेड को बढ़ावा देते हुए यहाँ से निर्यात होने वाली वस्तुओं और सेवाओं पर प्रोत्साहन स्कीम जारी रखने का भरोसा भी दिया गया है। नई नीति में राज्यों से निर्यात बढ़ाने के लिए निर्यात संवर्धन मिशन बनाया जाएगा। In order to boost exports from SEZs, government has now decided to extend benefits of both the reward schemes, MEIS and SEIS, to units located in SEZs. It is hoped that this measure will give a new impetus to the development and growth of SEZs in the country. नई नीति में कृषि उत्पादों के निर्यात पर ज्यादा छूट मिलेगी। इसमें डिब्बा बंद कृषि और खाद्य वस्तुएं और ग्रामीण उद्योगों के सामान शामिल हैं। ये ऐलान ऐसे वक्त हुआ है जब देश से निर्यात घट रहा है। इस साल फरवरी में निर्यात में लगातार तीसरे महीने गिरावट हुई है और ये 15% घटकर 21.54 अरब डॉलर रहा। वैसे 2013-14 में देश से कुल निर्यात 465.9 अरब डॉलर रहा था। कृति मिश्रा के साथ मोहम्मद फातेह टीपू, राज्यसभा टीवी। तंबाकू के खिलाफ कैंपेन में पोस्टर गर्ल बनी सुनीता तोमर अब इस दुनिया में नहीं रही। मध्य प्रदेश के भिंड की सुनीता का कल निधन हो गया। मौत से कुछ दिन पहले ही सुनीता ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर तंबाकू के खिलाफ मुहिम को नई ताकत देने की गुजारिश की थी। इस चेहरे पर लिखी कैंसर की इबारत ने न जाने कितने ही लोगों को तंबाकू छोड़ने के लिए प्रेरित किया होगा। ये चेहरा है सुनीता तोमर का। मैंने कब सोचा था मेरी जिंदगी यूं बदल जाएगी? सब कुछ इतना अच्छा था, एक अच्छा पति, दो प्यारे बच्चे, लेकिन तंबाकू ने सब कुछ बदल दिया। पिछले कई महीनों से सिनेमा और टीवी पर अपनी कहानी सुना रही 28 साल की सुनीता ने आखिर कैंसर के आगे हार मान ली। वो 4 साल तक तंबाकू चबाने के बाद मुंह के कैंसर का शिकार हुई थी। उनकी आप बीती का वीडियो लोगों को तंबाकू के खतरे से आगाह करने में बेहद प्रभावशाली साबित हो रहा था। बीते साल केंद्र सरकार ने भी सुनीता को उनके हौसले और जज्बे के लिए सम्मानित किया था। तंबाकू उत्पादों के पैकेट के 85% हिस्से पर तस्वीर वाली चेतावनी छापने का नियम 1 अप्रैल से लागू होना था, लेकिन सरकार ने इसे फिलहाल टाल दिया है। इससे सुनीता आहत हुई थी और मौत से कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर इस मामले में दखल देने की अपील भी की थी। इसमें ये लिखा था तंबाकू बीड़ी सिगरेट इनका सेवन न किया जाए और बहुत खुलेआम बिक रहे हैं, इनसे कैंसर होता है। परिवार में ऐसा नहीं होना चाहिए, बीड़ी तंबाकू गुड़िया सिगरेट सब रोक लगाई दिया था। सुनीता का अस्तित्व भले ही इस दुनिया में अब ना रहा हो, तंबाकू के खिलाफ उनकी आवाज
हमेशा लोगों को जगाती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सुनीता ने अपने खत में एक लाइन का भी जिक्र किया था, उन्होंने कहा था कि जब भी किसी को तंबाकू खाते देखती हूं तो मेरी रूह कांपती है। दिल्ली में सोमवार से चबाने वाले तंबाकू उत्पादों पर पाबंदी है, लेकिन राज्यसभा टीवी की पड़ताल में कई जगहों पर यह पाबंदी बेअसर दिखी। यही नहीं, दिल्ली सरकार ने इस आदेश को लागू करने वाली एजेंसियों के बीच भी तालमेल की कमी साफ नजर आई। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते ही आपको चबाने वाला तंबाकू आसानी से मिल जाएगा। यही आलम शहर के दूसरे हिस्सों में भी है। सरकारी पाबंदी के बावजूद ये उत्पाद धड़ल्ले से बिक रहे हैं। तंबाकू उत्पाद बेचने वाले दुकानदारों की अपनी दलीलें हैं। हमारे सबके तो रोजी रोटी यही है, और इसको बंद करने के बाद में हम सब कहाँ जाएंगे? अब ये तो है नहीं कहीं सरकारी नौकरी हो या कोई नौकरी देने वाला हो। पाबंदी पर निगरानी का जिम्मा दिल्ली पुलिस का है, लेकिन पुलिस को पाबंदी की अधिसूचना अभी तक नहीं मिली है। स्वास्थ्य विभाग भी निगरानी के लिए टीम गठित नहीं कर पाया है। इसलिए हम निगरानी कमेटी बना रहे हैं, सभी विधानसभाओं में बनाएंगे और उसके अंदर लोगों को कहेंगे कि अपनी शिकायतें करें हमारे को जो भी होगा। और हमारा जो फूड एडल्ट्रेशन डिपार्टमेंट है उसको हमने कहा गया है कि जहां पर मिल रहा है उसके खिलाफ सख्त एक्शन ले, पुलिस को भी लिख दिया है। दिल्ली से सटे राज्यों में तंबाकू उत्पाद पर पाबंदी नहीं है, इसलिए भी दिल्ली में ये उत्पाद आसानी से हासिल है। दुकानों पे मिल जाता है गुटखा, तो जिस मर्जी दुकान पे ले लो, अभी मिल रहा है, ब्लैक में मिल रहा है। दिल्ली सरकार ने खाली गुटखे को ही बैन किया है। यदि वो ये चाहते हैं कि भी नशाखोरी पर लगाम लगाया जाए तो गुटखे के साथ साथ इनको सिगरेट के ऊपर भी, क्योंकि उसमें भी तंबाकू होता है। देश में सामने आने वाले कैंसर के मामलों में 40% मुंह का कैंसर है और इसकी बड़ी वजह तंबाकू है। हाल ही में दिल्ली सरकार ने गुटखा बेचने और खरीदने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी है, लेकिन इससे पहले भी 2012 में आई सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के बाद भी दिल्ली समेत कई राज्यों ने इसी तरह की रोक लगाई थी, जिसका बाद में गुटखा बनाने वाली कंपनियों ने पान मसाला और तंबाकू के पाउच को अलग कर तोड़ निकाल लिया था। तो ऐसे में कम संसाधनों से जूझ रही दिल्ली पुलिस और सरकार के लिए इसे लागू करा पाना एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। कैमरामैन शिव के साथ विपिन चौहान, दिल्ली, राज्यसभा टीवी। और अब कुछ अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर नजर डालेंगे। रूस से लगे पश्चिमी प्रशांत महासागर में एक जहाज डूब जाने से 43 लोग मारे गए हैं, करीब 100 लोग जहाज में फंसे हुए हैं। रूसी मीडिया का कहना है कि मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है। जहाज में 134 लोग सवार थे, अब तक 63 लोगों को जीवित बचा लिया गया है। कई लोग लापता बताए जा रहे हैं और उनकी तलाश के लिए राहत अभियान जारी है। ईरान के साथ परमाणु समझौते पर कल भी कोई सहमति नहीं बन पाई। चीन और अमेरिका के विदेश मंत्री अब समझौता होने तक लॉसेन में ही रुकेंगे। दुनिया के 5 ताकतवर देशों पर इस समझौते को अंतिम रूप देने का दबाव है। स्विट्जरलैंड के लॉसेन में चल रही इस बातचीत का कोई अंत नजर नहीं आ रहा है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर कोई सहमति बनती नहीं दिखी। रूस सहित कई देश इस वार्ता से अलग हो गए हैं। हालांकि अमेरिका और चीन का मानना है कि अब भी समझौता नहीं हुआ तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। Our approach to these conversations hasn't changed, which is that as long as we are in a position of convening serious talks that are making progress, that we would not arbitrarily or abruptly end them. वहीं ईरान के विदेश मंत्री जवाद जरीफ ने अब इस मसले को सभी पक्षों की राजनीतिक इच्छा पर छोड़ने की बात कही। उन्होंने कहा कि इस मसले के स्थायी हल के लिए लचीला रुख अख्तियार करने की जरूरत है। As I've said all along, the recognition by all parties that they need to exhibit political will and flexibility in order to move forward. दरअसल दुनिया के 5 ताकतवर देश चाहते हैं कि अगले 10 सालों तक ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोका जाए। हालांकि ईरान इससे सहमत नहीं है। इसके अलावा ईरान का मानना है कि पश्चिमी देश उस पर लगे आर्थिक प्रतिबंधों को जल्द से जल्द हटा लें ताकि उसके आर्थिक विकास में मदद मिले, जिस पर पश्चिमी देश रजामंद नहीं हैं। ऐसे ही कई और मुद्दे हैं जिन पर सहमति बनाना वार्ताकारों के लिए एक बड़ी चुनौती है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और खेल जगत से अच्छी खबर है, भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा और स्विट्जरलैंड की मार्टिना हिंगिस की जोड़ी मियामी ओपन महिला युगल सेमीफाइनल में पहुंच गई है। क्वार्टर फाइनल में टॉप सीड सानिया और हिंगिस की जोड़ी ने अंतास्तासिया और एरिना रेडियोनोवा को 6-3, 6-4 से हरा दिया। सेमीफाइनल में उनका सामना 7वीं वरीयता प्राप्त हंगरी की
टिमियो बाबोस और फ्रांस की क्रिस्टीना म्लादोनोविच की जोड़ी से होगा। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के महानतम कलाकारों में से एक उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब की आज जयंती है। संगीत के पटियाला घराने से ताल्लुक रखने वाले खान साहब की गायकी में ध्रुपद और ग्वालियर घराने की भी झलक मिलती है। उन्हें फिल्मों से परहेज था, जबकि आसिफ ने उनके सामने मुगले आजम के लिए गाने का प्रस्ताव रखा तो उन्होंने टालने के लिए 25,000 रुपए मांग लिए। उस समय लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी जैसे गायकों को एक गाने के लिए सिर्फ 500 रुपए मिलते थे, लेकिन जिद के पक्के आसिफ साहब मान गए। उसके बाद जो हुआ वो इतिहास है। आइए जीते हैं इसी इतिहास को और सुनते हैं उनके कुछ यादगार बंदिशें। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। जाते जाते एक नजर हेडलाइंस पर। यमन से 358 भारतीय स्वदेश लौटे, एक और जहाज जिबूती रवाना, अदन में सऊदी अरब ने तेज किए हवाई हमले। लगातार बारिश से फिर उफान पर झेलम, जम्मू श्रीनगर हाईवे बंद, सैकड़ों गाड़ियां फंसी। केंद्र सरकार में बड़ा प्रशासनिक बदलाव, गुजरात कैडर के जीसी मुर्मू समेत 27 संयुक्त सचिव नियुक्त। रूस से लगे पश्चिमी प्रशांत महासागर में नौका दुर्घटना, 54 की मौत, राहत और बचाव कार्य जारी। सानिया मिर्जा और मार्टिना हिंगिस की जोड़ी मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के डबल्स सेमीफाइनल में पहुंची।